दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प ने फेस्टिवल सीजन को देखते हुए अपनी एडवेंचर सेगमेंट की बाइक एक्सपल्स 200 को फोर वॉल इंजन के साथ पेश किया है। साथ ही आपको इसमें न्यू कलर ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसके एक्सशोरूम प्राइसिंग की बात करता हूं एक्सपल्स 4V के, तो स्टार्ट हो जाती है 1,28,150, 1,28,150 जो इसकी एक्सशोरूम प्राइसिंग रखी गई है। और एक्सपल्स 200 के कंपैरिजन में ये आपको 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिल सकती है। अब जैसे कि एक्सपल्स 200 में हेडलैम्प्स की विजिबिलिटी पहले थोड़ा लो थी, काफ़ी शिकायतें आ रही थी, और सीट जो कम्फर्ट है लॉन्ग राइड के लिए वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो ये भी इम्प्रूव किया गया है, आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कलर ऑप्शन की इसमें बात करूं, तो 3 कलर ऑप्शन आपको एक्सपल्स 4V में देखने को मिलेंगे, ट्रेल ब्लू कलर, ब्लिट्स ब्लू कलर, और साथ ही साथ आपको रेड रेड कलर। अब इन तीनों कलर में से आपका कौन सा फेवरेट है, आपको फर्स्ट जो नज़र में कौन सा अच्छा देखने को लग रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब अगर मैं डिज़ाइनिंग की बात करता हूं, वैसे ओवरऑल जो इसकी डिज़ाइनिंग की बात करें, डायमेंशन की बात करें, उसमें आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। वही आपको 220mm वाला ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, लेकिन यहां जो चेंजेस आ जाते हैं वो आते हैं ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स पहले से ज़्यादा आपको एडवेंचरस कट ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, जो लग भी काफी अच्छा रहे हैं। अब अगर इंजन सेक्शन की बात करें, तो ये 200cc का ऑयल कूल फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन अब आता है फोर वॉल के साथ में, जो कि अच्छी खासी 19.1 PS की पावर 8,500 RPM पर प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ 17.85 Nm टॉर्क 6,500 RPM पर प्रोड्यूस कर देता है। एक्सपल्स 200 के कंपैरिजन में आपको एक्सपल्स 200 4V में 6% ज्यादा पावर देखने को मिलती है, साथ ही साथ 5% ज्यादा टॉर्क आउटपुट देखने को मिलेगा। और एक्सपल्स 200 में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो था इसका हेडलैम्प। हेडलैम्प की जो विजिबिलिटी ब्राइटनेस है वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज थी। आफ्टर मार्केट जो है साइड में LEDs लगाने पड़ते थे, फिर वायरिंग में कटिंग होती थी, तो इसको देखते हुए जो अब क्या है इसमें 21% जो है ज़्यादा ब्राइटनेस जो विजिबिलिटी वाली जो इसमें हेडलैम्प्स यूज की गई है अब, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकली टेस्ट करके ही पता चलेगा कितनी ब्राइट है। हेडलैम्प के बाद जो एक्सपल्स 200 में एक और डिसएडवांटेज था वो था इसकी सीटिंग। लॉन्ग टूरिंग के लिए जो सीट है काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी, जिसे कि अब रीडिज़ाइन किया गया है, काफ़ी वाइड बनाया गया है, तो सीटिंग में भी चेंजेस किए गए हैं। हेडलैम्प में भी जो 21% ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जो फुट पैडल हैं वो आपको एडवेंचरस टाइप देखने को मिलेंगे रीडिज़ाइन, जो कि आपको KTM एडवेंचर 250 और 390 में देखने को मिलते हैं, सेम वैसे ही देखने को मिलते हैं। तो ये आप जो मेजर चेंजेस थे, फोर वॉल के संग आ गई है अच्छी खासी 19.1 PS की पावर 17.35 Nm टॉर्क के संग, हेडलैम्प भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है, काफी ब्राइटनेस बढ़ा दी गई है, और साथ ही साथ आपको इसमें सीटिंग भी आपको जो है रीडिजाइन देखने को मिलेगी, और जो फुट पैडल भी आपको रीडिजाइन आपको एडवेंचरस वाले अच्छी ग्रिपिंग के लिए दिए गए हैं। तो ये कुछ मेजर जो चेंजेस थे उसमें मैंने आपको बता दिया है, जो मेन फोकस जो है इसी जो इस पर किया गया है, जो पहले की कमियां थी उन्हें सुधारा गया है, और साथ ही साथ इसमें जो है आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। अगर बात करें और आगे इसके डायमेंशन और डिज़ाइनिंग की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वही आपको 220mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता रहता है। अगर आप इसका रेलिकेट लेते हैं, उसे इंस्टॉल कराते हैं, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस 220 से बढ़ के अराउंड 275 या 73 के अराउंड इंक्रीज हो जाता है। फ्रंट में आपको वही टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क 37 डाया के सस्पेंशन मिलते हैं विद फ्रिक्शन बुश के साथ में। रियर में आपको रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म देखने को मिलती है मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ में, जिससे कि आप 10-way एडजस्टेबल कर सकते हैं। फ्रंट में अगर डिस्क की बात करें, 276mm की डिस्क है, और फ्रंट में टायर प्रोफाइल 90x91 की 21 इंच के आपको एडवेंचरस टायर देखने को मिलते हैं अगर रेलिकेट लेते हैं आप। और साथ ही साथ अगर आप रियर में चलें, तो रियर में आपको 220mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, 18 इंच के आपको इसमें स्पोक्स व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो कि एडवेंचर के लिए काफ़ी मतलब सुटेबल रहते हैं। अब ये आप देख सकते हैं इसके, और जो आपको हेडलैम्प है फ्रंट में वो आप काफ़ी पहले से ज़्यादा विजिबल वाली और LED टाइप में देखने को मिलेगी, और डायमंड चेसिस फ्रेम देखने को मिलता है विद हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल स्टील वाला फ्रेम जो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो मेजर जो चेंजेस हैं इंजन में करा गया है, पहले से 6% की जो पावर है ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगी, और 5% का ज़्यादा न्यूटन मीटर टॉर्क आपको 5% ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो इसमें ओवरऑल जो मैंने आपको बता दिया प्राइसिंग इसकी क्या रहने वाली है, मीटर कंट्रोल जो है बिल्कुल एकदम सेम रहेगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं है उसमें, जो सेम जो पहले आता था वही आपको डिजिटल टाइप में देखने को मिलेगा, और जो स्विचेस हैं वो सब सेम रहेंगे। जो मेन जो चेंजेस थे मैंने आपको बता दिए, जो आपको
हेडलैम्प में चेंजेस किया गया है, हेडलैम्प पहले से ज़्यादा ब्राइटर बनाई गई है, साथ ही साथ सीटिंग जो है सीटिंग में कंफर्ट और ज़्यादा दिया गया है रीडिज़ाइन करके, और साथ ही साथ जो फुट पैडल हैं उन्हें भी थोड़ा ग्रिप अच्छी ग्रिप हो उसके लिए टीथ टाइप में डिज़ाइन किया है। तो जो मेजर चेंजेस है कुछ यही थे, बाकी आपको न्यू ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं एडवेंचर वाले, जो कि आप कलर ऑप्शन आपको इसमें इस सामने जो आप देख रहे हैं तीन देखने को मिलेंगे, और एक्स शोरूम प्राइसिंग जो इसकी स्टार्ट हो रही है 128,150, 128,150 से इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है। अगर इसकी जो ऑन रोड प्राइसिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए। अगर इसका जैसे ही ये शोरूम पे आती है इसका मैं राइड रिव्यू और एक फिजिकल रिव्यू आपको सामने देखने को मिल जाएगा, क्या एक शोरूम प्राइसिंग है रुद्रपुर में वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।